जनता परिवार के विलय पर बैठक खत्म हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है, माना जा रहा है आपसे कुछ ही देर पर यहाँ पर औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको मीडिया का ही जमावड़ा दिख रहा होगा, कुछ ही देर में वो बैठक चुकी अब खत्म हो चुकी है, कुछ ही देर में अब औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। इस विलय को देखने के हजारों नजरिए हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक दाव भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। वो शायद पहला लिटमस टेस्ट होगा इस जनता परिवार के विलय के बाद। जिस भी पार्टी का ऐलान आज किया जाता है और जिस भी चिन्ह के साथ ये पार्टी आगे बढ़ती है, उसका सबसे बड़ा पहला इम्तिहान बिहार की रणभूमि में होगा और उसके बाद से तमाम जगहों पर किस तरह से वो आगे की रणनीति बनाते हैं वो दिलचस्प होगा। लेकिन शायद यहाँ पर किसी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि इस विलय पर एक तरह से उन्होंने अपनी आगे की तकदीर की पूरी कहानी दांव पर लगा दी है। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान होना है। बालकृष्ण हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन वहां पर बैठकर बताएंगे और कौन बोलेगा क्या अभी तस्वीर, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं अभी तो अफरा तफरी है वहां मीडिया में। अंजना, देख सकते हैं कि मीडिया का जमावड़ा बहुत है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चुकी है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारी पार्टियों के मर्जर की एक होने की घोषणा होगी। इसलिए कमल मुरारका यहाँ पर नहीं है, उसके अलावा जो बाकी सभी पार्टियों के नेता हैं उनके हम उम्मीद करते हैं कि वो सब यहाँ पर होंगे। मुलायम सिंह यादव जाहिर तौर पर यहाँ पर होंगे, लालू यादव होंगे, सारी जो छह पार्टियां हैं, कमल मुरारका बस यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाकी सभी पार्टियों के नेताओं यहाँ पर मौजूद हैं। जो थोड़ी बहुत जो कहा जाए कि जो इश्यूज बाकी थे, चाहे वो पार्टी के सिंबल को लेकर हो, नाम को लेकर हो, कुछ इश्यूज थे उसको लेकर को उम्मीद की जा रही है कि अभी जो बैठक हुई है उसमें इन मसलों को सुलझा लिया गया होगा और अब इस पार्टी के नाम से हम उम्मीद करते हैं कि नाम का चुनाव चिन्ह का ऐलान अब कुछ मिनटों में होने ही वाला है। शरद यादव तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैं, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर हैं और आज यहाँ मीडिया का जमावड़ा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव अब बोलने वाले हैं, सुनते हैं। आज जो बैठक हुई है, ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, आज जो बैठ के बोलिए, बैठ के अच्छा रहे, बैठ के बोलिए, बैठ के अच्छा रहे। जो अरे फोटोग्राफर नीचे में, ये फोटो आज संपर्क कर रहा, आज ये बैठक छह पार्टियों की हुई है और जो प्रस्ताव बना है, सारा प्रस्ताव जो यूनानिमसली आम निर्णय लिया गया आम सहमति से बना है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। सभी छह दलों सपा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीएस, इंडियन नेशनल लोकदल और सजपा के नेताओं की बैठक में नए दल के गठन का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से तय हुआ कि नए दल के अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे और वे ही पार्लियामेंट्री संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, सभी सम्मिलित दलों के अध्यक्ष श्री एच डी देवेगौड़ा,
पूर्व प्रधानमंत्री श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला एवं श्री कमल मुरारका, श्री मुलायम सिंह यादव से विचार विमर्श करके नीति वक्तव्य, चुनाव चिन्ह, नाम, झंडा, संगठन आदि पर निर्णय लेने का निर्णय लेंगे। ये आज फैसला हुआ है, जो सभी 6 दलों के लोग बैठे थे उसमें एक कमेटी का गठन किया है माननीय मुलायम सिंह जी की अध्यक्षता में, और ये कमेटी आज 1-2 फैसले किए हैं। माननीय मुलायम सिंह जी इस राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष होंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, और 5 लोगों की जो समिति बनी है, देवगौड़ा जी, लालू यादव जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, आप खुद, हमारा भी नाम है सरदार यादव जी, और कमल मुरारका, ये बोल दिया, ये 5 लोगों की समिति गठित की गई है। ये जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सकेगा, ये कमेटी, ये बाकी चीज जो ठहर, जो नई फैसला आज हुआ है, फैसला हो जाता है लेकिन बाकी लोगों के सलाह मशवरा और करना है, सलाह मशवरा करके जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी को उनके साथ परामर्श करके सारी चीजें तय करना है, संगठन के बारे में, संघर्ष के कार्यक्रम के बारे में, पॉलिसी नीतियों के बारे में, और विस्तार से पूरे देश में कैसे कार्यक्रम बने, इसका सारी पार्टी जो है वो 5 सदस्यीय कमेटी बैठ करके तय करेगी, और यही आज फैसला हुआ है, और इस बात पर सब लोग संपूर्ण तौर पर जो भारत के देश के सामने चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए हम पहले भी साथ थे, और चुनौती आई है तो हम सब लोग साथ हैं, इसलिए आज यही हुआ। और मैं लालू जी से कहूंगा कि वो भी 2 बात कह दे, अरे भाई आप कहेंगे तो मजा आएगा ना।